सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक कहानी बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है घमंडी बारहसिंगा। यह आपके पाठ 8 में दिया गया है। घमंडी बारहसिंगे की कहानी से हम लोग यह सीखेंगे कि भगवान ने इस संसार में जितनी भी चीज़ें बनाई है, उन सभी का अपना मोल है और हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए। और भगवान की दी गई या भगवान द्वारा बनाई गई वस्तु का हमें सदा सदुपयोग करना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम यह देखते हैं कि इस बारहसिंगे के साथ क्या हुआ। बारहसिंगा मतलब जिसके 12 सिंह हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी में दो बातें बताई गई है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी, ईश्वर ने मतलब भगवान ने हमें सभी चीज़ें बहुत सोच समझकर प्रदान की है। सभी का अपना अपना महत्व है। कभी कभी हमारी ना समझी हमारी मौत का कारण बन जाती है। अर्थात यदि हम कोई काम बिना सोचे समझे करते हैं, तो इस कारण हम लोगों की मौत भी हो सकती है। एक जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। उसे अपनी सींगों की सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उसके जैसे सुंदर सींग ईश्वर ने किसी और जानवर को नहीं दिए हैं। उसे यही लगता था कि भगवान ने सींग सिर्फ उसी को दिए हैं और किसी को नहीं दिया। एक दिन वह पानी पीने के लिए एक तालाब के किनारे जा पहुंचा। उस समय तालाब का पानी ठहरा हुआ था। तालाब का पानी ठहरने से अर्थ है कि पानी एकदम स्थिर था। उसने तालाब के पानी में अपनी परछाई देखी। जब पानी ठहरा रहता है, तब आप भी अपनी परछाई देख सकते हैं पानी में, पानी में अपने सुंदर सींगों की परछाई देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न का अर्थ है खुश हुआ। उसने इसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। लेकिन अगले ही क्षण उसकी नज़र अपने बदसूरत पैरों की परछाई की ओर गई। यहाँ बदसूरत का अर्थ है गंदी सूरत। हिरण के पैर सुंदर नहीं होते हैं, तो उसकी नज़र बदसूरत पैरों की परछाई की ओर गई। अब वह ईश्वर को कोसने लगा अपने बदसूरत पैरों के लिए। उसने मन ही मन ईश्वर को बहुत बुरा भला कहा। उसे अपने पैरों से नफरत हुई। उसे अपने पैरों को देखकर घृणा हुई। तभी एक शिकारी अपने साथ कुछ शिकारी कुत्तों को लेकर वहाँ आ पहुँचा। बारहसिंगा को अपनी मौत दिखाई देने लगी। वह वहाँ से भागकर चंपत हो गया अर्थात गायब हो गया। बारहसिंगा अपने उन्हीं बदसूरत पैरों की वजह से ही वहाँ से भाग पाया। उन बदसूरत पैरों ने ही
उसे खतरे से बाहर निकाला। ऐसा न होता तो शिकारी कुत्ते उसे चीर फाड़ कर खा जाते। अब वह अपने पैरों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था। बारहसिंगा भागा चला जा रहा था कि अचानक झाड़ियाँ आ गई। बारहसिंगा के सुंदर सींग झाड़ियों में उलझ गए। उसने उन सींगों को जितना निकालने की कोशिश की, उतने ही वे उलझते चले गए। अब बारहसिंगा बुरी तरह थक गया और झाड़ियों से बाहर नहीं निकल सका। तभी वे शिकारी कुत्ते वहां आ पहुंचे। उन्होंने घमंडी बारहसिंगा को पकड़ लिया और मार डाला। बारहसिंगा के सुंदर सींग ही उसकी मौत के कारण बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी वस्तु पर घमंड नहीं करना चाहिए। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। जैसे कि इस कहानी में बारहसिंगा के पैर का अपना महत्व था और सींग का अपना महत्व था, परंतु बारहसिंगा पहले इसे नहीं समझ पाया, जिस कारण उसने अपने प्राण गंवा दिए। तो बच्चों, आप लोग भी इस पाठ को पढ़िएगा और इसके शब्दार्थ को याद कीजिएगा। धन्यवाद।